जी यूपी से हैं बीना जी, स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैम मेरे तीन चार सवाल हैं। पूछिए मैम। एक तो मैम मैंने ये मोरिंगा का गोंद और गोंसिया ये ले रही हूँ, ठीक है। और जी मैं हस्बैंड के लिए एक जैतून का सिरप का, वैसे तो डायबिटीज हमें भी नहीं है शुगर ना हस्बैंड को है, तो सही रहने के लिए ये जैतून का सिरप हस्बैंड को मैं भी ले सकती हूँ, हस्बैंड को भी दे सकती हूँ क्या? और दूसरा सवाल ये है कि बेटा जो माजून अलकेरा ले रहा था उसे 4 महीने हो गए, 4 महीने में उनने कल परसों पंखा चला लिया, नोएडा में रह रहा है, और पंखा चलने के बाद फिर उसके वो एलर्जी थी उसे और जी दमा था, तो उसे पसली चल गई कल उसकी बेटे की, तो उनने फिर पंप वंप लिया तो उसे ठीक हो गया वो, उसके लिए मुझे पूछना था। और ये और हस्बैंड के लिए ये पूछ रही थी, 52 साल के हस्बैंड, तो उन्हें ये चर्बी वाली चीज तो मना करते हैं डॉक्टर, आप तो ऐसी चीज क्या कि दूध दही वगैरह ये नहीं ले रहे, तो ऐसी चीज क्या दे सके जो वो सेहतमंद रह सकते? ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, बच्चे का तो इत्तेफाक से यहाँ पे वायरल शुरू हो गया है, नोएडा दिल्ली में वायरल शुरू हो गया, तो शायद उसको वायरल हो गया होगा, नहीं तो खाली पंखे से पंखा तो चलाना ही पड़ेगा आजकल, ऐसे चलाते हैं लोग, तो इत्तेफाक से कुछ हो गया, ये बुखार हो गया। पचली चलने में नमूनिया का शक होता है, जिसकी भी पचली चलती है नमूनिया का शक है, उनको चाहे तो टेस्ट भी करा लें, नहीं तो ऐसे पंखा चलने में ऐसा नहीं होता। अब उनका इलाज भी पूरा होने वाला है, उनमें कुव्वत मुदाफियत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी आ गई होगी, लेकिन पूरा इलाज करें। अच्छा देखिए, ये दो किस्म की चर्बी होती है, एक तो जिस्म में चर्बी नज़र आती है, एक खून में चर्बी होती है, तो खून में चर्बी के लिए अगर वो जैतून का सिरका ले रहे हैं वो या आप, तो फिर आप तेल वेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं, ऑयली चीज़ भी खा सकते हैं, कम से कम खाएं, और जब भी खाएं ऐसी चीज़ें तो उसमें अदरक और लहसुन की तादाद इतनी इतनी डालें ताकि वो चर्बी उनको कोई नुकसान दिए बगैर जिस्म से खारिज हो जाए। और क्या सवाल था? जैतून का सिरका ये और इनके हस्बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप ये ले रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, डायबिटीज़ आपके आसपास नहीं फटक सकती, दोनों के चर्बी नहीं फटक सकती, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियाँ जैसे फालिज बहुत ज़्यादा होने लगा, हार्ट ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होने लगे, ये चीज़ लेने वाले को इन सब से सुरक्षा प्रदान हो जाती है कि ये सुरक्षा कवच है, जिनको है वो भी लें और जिनको नहीं है वो एक बार लें, जिनको है वो दो बार लें, तो अपनी बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं।